खेतड़ी में आरक्षण को लेकर सैनी समाज ने निकाली रैली। खेतड़ी में आरक्षण को लेकर सैनी समाज भी आगे आ गए। भरतपुर में हुए आंदोलन के बाद अब खेतड़ी में भी बुलबुल बजा दिया। पार्षद लीला दल सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के सैकड़ों ग्रामीण आरक्षण को लेकर खेतड़ी कस्बे के में रैली निकाली। इस दौरान SDM जयसिंह को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 12% आरक्षण की मांग है, जिसको लेकर पोलो ग्राउंड से SDM तक रैली निकाली गई। खेतड़ी में आरक्षण को लेकर सैनी समाज ने निकाली। खेतड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को SDM कार्यालय के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर केंद्र पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लोकोत्तन सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता SDM कार्यालय के सामने एकत्रित हो गए और राहुल गांधी पर ED द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर विरोध जताया। इस मौके पर ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष बुड्डी देवी, बलवीर सैनी, विजय सैन, सत्यवीर मुराणिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। के आह्वान के ऊपर संपूर्ण राजस्थान के अंदर सभी ब्लॉकों के ऊपर और मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोडासरा जी, हमारे राजस्थान के सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी के निर्देश के ऊपर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य सोनिया जी और पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य राहुल जी को ED बार बार बुला के परेशान कर रही है, इसलिए आज ये वापस उनको ED दफ्तर में बुलाया गया है। इसके पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा आज धरना और प्रदर्शन और मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। और ये कि जो आज पूरे भारत के अंदर युवाओं के साथ में जो छिड़वाड़ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमने कल जो जयपुर के अंदर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी सम्मान्य अशोक जी गहलोत जी के द्वारा, ये एक देश के नौजवानों के साथ में छिड़वाड़ किया गया है। नौजवान साथियों के साथ में जो जिस प्रकार की सेना भर्ती का जो ये नरेगा के रूप में इस प्रकार से एक प्रोवल देकर और जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा दुखद की बात है। और हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जो प्रदर्शन धरना है उसमें हम कांग्रेस साथ देगी, लेकिन वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान। खेतड़ी में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने वाले डॉक्टर का मनाया जन्मदिवस। खेतड़ी के राजीव अजीत अस्पताल में चरण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण शर्मा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CI विनोद साकला रहे। इस दौरान खेतड़ी के राजीव अजीत अस्पताल के परिसर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। डॉक्टर व अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी में केक काटा गया, जिसमें मुख्य बाजार के व्यापारियों द्वारा भी केक काटकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। डॉक्टर प्रवीण जो कि यहाँ CSC अजीत हॉस्पिटल में यहाँ पदस्थापित है, इनका कोरोना काल में तो बहुत ही बेहद सराहनीय काम रहा है। साथ ही साथ अभी भी इनका जो मरीजों के प्रति स्नेह, साथ ही साथ उनका उनके प्रति जो इनका ट्रीटमेंट के संबंध में इनकी लगन, साथ ही साथ लोगों से इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और सभी विभागों के साथ बड़े अच्छे समन्वय से काम करते हैं। इसी क्रम में आज हमें जब पता लगा डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, तो आज हम सभी थाने से भी हम यहाँ पर आकर के और इनके जन्मदिन में शरीक हुए। दलौता में बुजुर्ग ने की आत्महत्या। खेतड़ी थाने के दलौता गांव में 50 वर्ष के बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दलौता के 50 वर्षीय निहाल सिंह अहिर ने सुबह घर के पास ही शीशम के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, खेतड़ी के अजीत अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया, वहीं जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी विनोद साकला ने बताया कि 50 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। को बेला फुसलाने का मामला दर्ज। खेतड़ी थाने में एक पिता ने गांव के ही एक युवक पर अपनी नाबालिग बेटी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार खेतड़ी क्षेत्र के एक गांव के ही एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बेटी शौच के लिए बाहर निकली थी, वही उसी समय गांव के ही एक युवक ने उसको बेला फुसलाकर भगा ले गया, साथ ही 5 लाख तक जा रुपये व सोने की चेन व पजेब भी उठा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हर देश के हर कोने में योग का आयोजन किया जाएगा, वही विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। योग दिवस के महत्व को लेकर चिकित्सक डॉक्टर SS मोहम्मद ने विभिन्न जानकारियां बताई। डॉक्टर SS मोहम्मद ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए आज के समय योग बहुत जरूरी है। विश्व योग दिवस पर यह प्रण ले कि हम रोज योग करें, क्या कहते हैं डॉक्टर? मेरा आप सबको नमस्कार। अभी जैसे 21 जून को योग दिवस आने वाला है,
तो योग दिवस आज पूरे वर्ल्ड के अंदर योगा जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग के पीछे सबसे बड़ी है कि अपना जो स्वास्थ्य है वो कैसे मैक्सिमम हेल्दी रहे, इसके लिए हमें योग करना चाहिए। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी जो बीमारियों को जड़ से खत्म करता है और इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से योग जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक। सिंघाना कस्बे में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने योग जागरूकता रैली निकाली। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सिंघाना द्वारा सौर्य लाइब्रेरी के सौजन्य से योग जागरूकता रैली निकाली। ट्रस्ट प्रभारी नरेंद्र स्वामी ने बताया कि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस पर योग को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग योग दिवस पर योग कार्यक्रम में भाग लें, फिर अपने घर में हो या फिर कहीं भी, तो योग करें और तन मन दोनों को स्वस्थ रखें। साथ ही यह स्लोगन के नारे भी लगाए गए। इस दौरान जागरूकता रैली का योग सलाहकार नरेश कुमावत, आकाश शर्मा, गोविंद भार्गव व राजेश कलवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही यह रैली सिंघाना के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई रेलवे कॉलोनी पहुंची। खेतड़ी के वार्ड नंबर 21 में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। खेतड़ी कस्बे में सीवरेज व पेयजल लाइन डालने के बाद बनाए जा रहे सीसी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने पर सोमवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करवाकर बेहतर क्वालिटी का उपयोग करने की मांग की। पार्षद लीला दर्शन ने बताया कि वार्ड नंबर 21 में सड़क निर्माण का कार्य ठेका कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर बुधराम तुलवार ने शिकायत की। सड़क निर्माण में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट व अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा, जिसकी सूचना पर दोपहर को सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए व सड़क कार्य को बंद करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी का विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की मोटाई नियम अनुसार 8 इंच सड़क बनाई जानी है, जिसमें 4 इंच PCC व 4 इंच CC बनाई जा रही थी, लेकिन PCC आधा इंच भी नहीं बना जा रही, जिसके चलते सड़क की मोटाई में भी काफ़ी अंतर आ रहा है। इस मौके पर साइट इंचार्ज सुरेंद्र कुमार व रोहन कुमार मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की। योग दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के बैनर तले रैली का किया आयोजन। बुआना उपखंड के सागा गांव में योग दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के बैनर तले रैली का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त सूबेदार किरोड़ी लाल यादव के सानिध्य में योग दिवस की तैयारियां कर रैली का आयोजन किया। नेवी से सेवानिवृत्त शैतान सिंह तथा एडवोकेट मनोज यादव भी कोच के रूप में अपनी नियमित सेवाएँ दे रहे हैं। योग दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को योगा अभ्यास कराया गया था, उनको योग के बारे में लाभ भी बताए। इस अवसर पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट प्रभारी नवीन कुमार रहे। बुहाना उपखंड के निकटवर्ती गांव बडबर में 2 दिन से बिजली का पोल टूटने से ग्रामीण लाइट के लिए परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन से बिजली का पोल टूटा हुआ है, जिससे बिजली की सप्लाई बंद हो रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। परेशानी को लेकर आज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया व कर रहे हैं सही करने की मांग। दिव्या सैनी ने 90.67% अंक के साथ किया स्कूल टॉप। शारदा शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय लाड़ी का बास में 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय टॉप पर रहे छात्रों का माला पहनाकर व तिलक लगाकर सम्मान किया गया तथा DJ बजाकर देशभक्ति गीतों के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। विद्यालय में दिव्या सैनी पुत्री बुधराम सैनी 90.67%, ध्रुव पुत्र सुनील कुमार 90%, ईमान सुमावर पुत्र ओम प्रकाश 86.67% व आनंद पुत्र रामनिवास ने 86.67 अंक प्राप्त किए व विद्यालय को टॉप किया। 100% रिजल्ट रहने पर विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं को माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य संतलाल सहीराम पोसवाल